नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। पिछले वीडियो में आपने देखा सफारी की कटिंग, उसकी नपेल कैसे बनाई जाती है, पॉकेट कैसे तैयार किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा पॉकेट को कैसे मशीन से फ्रंट पर लगाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये शुरू करते हैं। आज हम इसकी पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने से पहले हमें इस पे सारजुक करना होगा। इस तरीके से हमें सारजुक करना है। सारजुक एकदम बारीक करना पड़ेगा यहाँ पे। इस तरीके से आपको सारजुक करना है। इसे करने के बाद हम पॉकेट लगाएंगे। ये हमने इसके साइड में पूरा सारजुक कर दिया है बारीक। अब इसके तार नहीं निकलेंगे इस तरीके से, और इसकी पॉकेट पर भी हमने कर दिया है। अब हम इसकी पॉकेट लगाते हैं। चलिए मशीन पर चलते हैं। तो चलिए अभी हम इसकी पॉकेट लगाते हैं। सबसे पहले हम इसकी छोटी पॉकेट लगाएंगे। ये दूरी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जब पॉकेट की आप सिलाई लगाएंगे तो पक्का टांका नहीं करेंगे ऊपर से, उसको सीधा सीधा कच्चा टांका लेकर चलेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये ऊपर की सिलाई है, इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत होती है। जैसे ही आपने पक्का टाका किया वो फिनिशिंग ख़राब होती है उससे। ठीक है, मशीन को धीरे धीरे चलेगी बिल्कुल, सफाई से लगना चाहिए ये टाँका बिल्कुल पॉकेट का। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको कच्चा छोड़ देंगे।
इस तरीके से आप इसकी सिलाई मार देंगे। और ये जो धागा नीचे से निकला हुआ है, इसका नीचे का धागा हम ऊपर निकाल लेंगे। इस तरीके से दोनों धागे निकाल लेंगे और इसमें हम गांठ मार देंगे यहाँ पे। इस तरीके से तीन बार हम इस पे गांठ मार देंगे। ऊपर से बिल्कुल फिनिशिंग हो जाएगी, क्योंकि आगे पीछे मशीन जब हम करते हैं ना, तो उसमें बहुत ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम नीचे से गांठ मार लेंगे। कोई भी काम अगर सिलाई गलत हो जाए, कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, उसे तुरंत खोल के ठीक करो। अगर खोलना आ गया तो समझो कारीगर बन गया। ऐसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना, क्योंकि कोई नहीं चाहता उसकी दुकान पर गलत काम हो। तो कोशिश यही करें कि अच्छे से अच्छा काम करें। कोई भी काम हो, चाहे टेलरिंग हो, चाहे कोई भी काम हो, जिस काम को भी आप कर रहे हैं, अगर आप उसमें मास्टरी हासिल नहीं की आपने, आप अच्छी तरह नहीं करते हैं उसको, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी दुकानदार जब
किसी क्लाइंट का काम देता है कारीगर को, तो ये देख कर देता है कि मेरा कौन सा कारीगर अच्छा है, क्लाइंट मेरा अच्छा है, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। इसलिए मेहनत से काम सीखें और बहुत ध्यान से करें किसी भी काम को, चाहे कम करें, स्पीड आपकी कम है वो चल जाएगी। ये नहीं कि दिन में 10 पेंट बना दी, बहुत बड़ा कारीगर है 10 पेंट बनाने वाला। मैं ये नहीं कहता कि 10 पेंट बनाने वाले कारीगर अच्छे नहीं होते, फास्ट काम करने वाले भी बहुत, काम फास्ट भी हो और अच्छा भी हो, इस चीज़ का ध्यान रखो। अच्छे कारीगर होते हैं एक घंटे में मशीन से पेंट नीचे उतार देते हैं, 6 घंटे में कोट हैंगर पे टांग देते हैं बना के। ऐसे अच्छे कारीगर भी हैं, ऐसी बात थोड़ी। लेकिन जल्दी का मतलब, जल्दी बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप काम बिगाड़ दें। जल्दी का मतलब है अच्छा भी काम हो और जल्दी भी हो। ऑटोमेटिक ऐसे लोगों के रास्ते बनते चले जाते हैं, जो लोग अच्छे कटर होते हैं या अच्छे तरीके से सिलाई करते हैं, ऑटोमेटिक उन्हें रास्ता मिलता है। सीखने की कोशिश हमेशा करते रहें, कभी ये ना सोचें कि मैं पूरा मास्टर बन गया हूँ या पूरा काम मुझे आ गया है, ऐसा कोई नहीं है। ये एक आर्ट ऐसा है कि इसका कोई अंत नहीं है, इसको हम यहाँ से पक्का कर देंगे। कोई भी टांका हो, जब आपको ऊपर से फिनिशिंग देनी है तो कभी भी इस तरीके से मशीन ना मारे, उसको नीचे खींचो धागे को और उसकी गांठ लगा दीजिए, बस ये सबसे अच्छा तरीका है। थोड़ा सा एक सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन पता नहीं लगेगा कि जोड़ कहाँ है। अब हम इसकी जो लप पर हम हैं, इसकी भी सिलाई मार देंगे डबल। अब डबल सिलाई करने के लिए ये हिस्सा जो होता है हमारा, ये तो ऊपर का हो गया, ये नीचे चला जाएगा क्योंकि ये पलट के जाएगा। अब सिलाई का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ की सिलाई साफ आनी चाहिए, दाना साफ आना चाहिए और यहाँ का साफ आना चाहिए, सिलाई टूटनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हल्का सा इसको टाइट कर देंगे। ये जो हमारा टेंशन होती है ना यहाँ पे, इस टेंशन का जो स्प्रिंग है, इसको हल्का सा टाइट कर दीजिए आप। तो इस टेंशन को हल्का सा टाइट कर देंगे तो नीचे की सिलाई साफ हो जाएगी, ठीक है। अब इसका जो टेंशन है थोड़ा सा लूज़ कर दीजिए, क्योंकि ऊपर की सिलाई है ना, तो वो ऊपर की भी साफ आ जाएगी नीचे की। इसमें भी हमें डबल सिलाई मारनी है। ये जो ऊपर से सिलाई मारेंगे इसको हम हल्का सा क्रॉस ले लेंगे। क्योंकि कॉलर ऐसे ही चढ़ेगा क्रॉस में, इस तरीके से।
ये हमारा पॉकेट लग गई है और हमने इसके सामने पर सिलाई मार दी आज। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने देखा पॉकेट को कैसे लगाया जाता है सामने पर। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ सफारी की कटिंग, सफारी की नपेल कैसे बनाई जाती है, पॉकेटें कैसे बनाई जाती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखा रहा हूं पैंट शर्ट की कटिंग और सिलाई की मैं पूरी जानकारी आपको दे चुका हूं। इसके अलावा जैकेट और कोट की भी मैं पूरी जानकारी आपको दे चुका हूं। अभी हम सफारी की कटिंग और सिलाई कर रहे हैं, इसके बाद हम टैक्सीडो और ब्रिचिस, ओवरकोट, शेरवानी, इन सभी की सिलाई और कटिंग की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।